नमस्कार, मैं हूं जिया सिंह उज्जैन, राज संवाद में आपका स्वागत करती हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता बाबर खान ने दिया सभी पदों से इस्तीफा। संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने का एक ही उद्देश्य था कि मैं बाबर खान झारखंड मुक्ति मोर्चा में 1989 से जुड़ा और लगभग 35 साल हमने इस पार्टी में रह करके लोगों की सेवा की है, जनता की सेवा की है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में मुझे सबसे पहले स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने, कोऑपरेटिव कॉलेज का जब मैं छात्र था तो हमको जिला का मुख्य संयोजक मनोनीत किया गया था। उसके बाद से लगातार पार्टी और पार्टी के जो भी उच्च पदाधिकारी थे मेरे राजनीतिक गतिविधि को देखते हुए नगर में, जिला में, पहले हमारे यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो भी संगठन की चुनाव होता था वो कार्यकर्ता चुनते थे और फिर जो लोग निर्वाचित होते थे वो पदाधिकारी बनते थे। हम नगर में भी चुन करके आए, जिला में भी चुन करके आए, उसके बाद फिर हम केंद्र में सचिव भी रहे, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव भी रहे और लगभग 35 साल हमने कहा है कि पार्टी में हमने सेवा दिया है। आज मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। कारण स्पष्ट है कि अब गुरु जी के विचार वाली संगठन नहीं रह गया, हेमंत सोरेन का विचारों वाला संगठन नहीं है, क्योंकि संगठन चलाने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो लोग सब चपलूसीबाज हैं और चपलूसी करके अपना स्थान बना करके जो कार्यकर्ताओं से लेकर के नेताओं को एक तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस कारण मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। और मैं पार्टी के सामने कई काउज को भी रखा, कई कारण को भी स्पष्ट किया है। जैसा कि पहली बार जिला पूर्वी सिंहभूम में केंद्र समिति द्वारा ये जिला के तरह सामने मनोनीत किया गया, उसमें एक भी मुस्लिम सदस्य को मनोनीत केंद्र समिति द्वारा नहीं किया। जिला 20 सूत्री का गठन किया गया, पहली बार ये देखा गया कि जिला में एक भी मुस्लिम को मनोनीत नहीं किया गया। केंद्र समिति में एक भी सदस्य जो हमारे जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आते हैं जहाँ 40% मुस्लिम आबादी, सामने देखिए एक भी मुस्लिम सदस्य को केंद्रीय समिति में शामिल नहीं किया गया। इस तरह के कई चीजें हैं। हमने ये भी मांग किया था कि जिस तरह गौ आयोग का गठन किया गया है, मॉब लिंचिंग पर भी एक कानून आना चाहिए और ऐसा कानून आना चाहिए कि सबकी जान की रक्षा होनी चाहिए। उसके अलावा मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ, कई सैकड़ों मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकार द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए, आज भी उसको लटका करके रखा गया है। उर्दू को दूसरे दर्जे का यहाँ पर ही मुकाम दिया गया, दर्जा दिया गया, लेकिन उर्दू एकेडमी का गठन नहीं किया गया।